हेलो एवरीवन, आज की ये जो वीडियो है हमारी वो बीएड फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के लेसन प्लान पर है। तो ये जो लेसन प्लान है फर्स्ट ईयर में बनाए जाते हैं, जिसमें से 20 लेसन प्लान बनते हैं, और इनकी टीचिंग जो है वो बच्चा टीचिंग प्रैक्टिस करता है, सेशनल प्रैक्टिस है ये। और जब एग्ज़ामिनर आता है तो एग्ज़ामिनर भी एक लेसन प्लान, जो फाइनल लेसन प्लान बच्चा बनाता है, उससे बच्चों की टीचिंग करवा के देखता है। तो ये हमारा एंट्री है जो फर्स्ट पेज पे है, जिसमें कि हम लेसन प्लान नंबर लिखते हैं, क्या नंबर है। इसके बाद सब्जेक्ट आता है, जैसे ये बायोलॉजी का है तो यहाँ पर इन्होंने बायोलॉजी लिखा है। सेवन्थ क्लास का लेसन प्लान है, इसमें आपकी डेट लिखी जाती है जिस डेट में आप टीचिंग स्टार्ट करते हैं, और स्कूल का नाम होता है जिस स्कूल में आपकी टीचिंग हो रही है, और ये पीरियड। तो ये पोषण के बारे में है, पादपों में पोषण, हिंदी मीडियम का लेसन प्लान है ये। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स जनरली, क्योंकि साइंस का है ये, बायोलॉजी का है, तो यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना, या छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, या एकाग्रता और उसका भाव उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, मानसिक शक्ति आदि का विकास करना, और छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो जो सामान्य उद्देश्य हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, जो कि सभी लेसन प्लान में एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत इसमें लैंग्वेज का चेंज होता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, या जिनको हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं, विशिष्ट उद्देश्य हमेशा टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ये लेसन प्लान पोषण पर आधारित है, भोजन, तो यहाँ पर पोषण से रिलेटेड ही इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जैसे इन्होंने दिया है कि छात्रों को भोजन में पोषण के बारे में जानकारी देना, और छात्रों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानकारी देना। इसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज, यहाँ पर बच्चों की क्या प्रीवियस नॉलेज है, यानी जैसे छात्र पोषण व भोजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। देन इसके बाद टीचिंग एड्स, और टीचिंग एड्स में जो भी टीचर प्यूपिल टीचर चार्ट है, मॉडल है, या कोई अन्य सहायक सामग्री यूज़ कर रहा है, तो उसको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो सेकंड पेज है मेन, इसमें ये एंट्रीज होती हैं एक लेसन प्लान के अंदर, जिसमें कि हम फर्स्ट पॉइंट में टीचिंग पॉइंट्स लिखते हैं, फिर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर पीपल टीचर एक्टिविटीज़ हैं, इसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस में स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ आती हैं, इसके बाद यहाँ पर टेक्निक्स, मैथड्स या टीचिंग एड जो यूज़ की है, इसके अलावा फिर इस पे लास्ट वाले कॉलम में इवेल्युएटरी क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट हम क्या है, इंट्रोडक्शन करते हैं जब अपने टॉपिक का, तो वहाँ पर कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पीपल टीचर बच्चों से पूछता है, जिनको हम प्रस्तावनात्मक प्रश्न कहते हैं, और इनके संभावित उत्तर बच्चा देता है। संभावित इसलिए लिखा गया है कि ये अज्यूम्ड आंसर हैं, जो पीपल टीचर अपना लेसन प्लान बना के जा रहा है पहले से ही, तो उसने संभावना की है ये कि ये जो क्वेश्चन वो पूछेगा उसका संभावित उत्तर बच्चा ये देगा। तो यहाँ पर जो टीचिंग पॉइंट है वो है पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, क्योंकि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के बेस्ड पर ही इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, छात्र के पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कराना, या करना छात्र अपने पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे इन्होंने लिया है, सजीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो सजीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता। देन भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो बच्चा यहाँ पर आंसर देगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स, जल। जिस भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चा आंसर देगा, जिस भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन, संतुलित भोजन खाने से हमें क्या मिलता है। तो छात्र इसका क्या है, संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं। यानी ये जो चौथा क्वेश्चन है ये क्या होता है, हमारा समस्यात्मक प्रश्न होता है, जिसका बच्चा सही से आंसर नहीं दे पाता है। तो जब सही से आंसर नहीं दे पाता है, तब जो प्यूपल टीचर है वो अपना स्टेटमेंट देगा और अपने टॉपिक को डिक्लेयर करेगा। अब यहाँ पर आप इन प्रश्नों को आप अगर देखेंगे तो ये प्रश्नों में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है, यानी एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से कनेक्टेड है। इसी तरह से आपके प्रश्न होने चाहिए, और जो टॉपिक आप लेके चल रहे हैं उसी से रिलेटेड होने चाहिए, और लास्ट में उस टॉपिक को डिक्लेयर करने के लिए आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ऐसा
प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछना चाहिए जिसका बच्चा संतोषजनक आंसर ना दे सके। तो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट जो है यहाँ पर पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण आ गया, और उद्देश्य कथन में टीचर क्या बोलेगा कि छात्रों आज हम पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और जो उसने ब्लैक बोर्ड पर एंट्री की हुई है जहाँ पर सब्जेक्ट लिखा होता है सेंटर में, नीचे उसके टॉपिक लिखा होता है, तो उस टॉपिक पे वो अपना टॉपिक वहाँ पर लिखेगा पोषण के बारे में, यानी जो पीछे उसने लिख रखा था टॉपिक कि पौधों में पोषण, तो वो उसे वहाँ पर लिखेगा। देन इसके बाद विकासात्मक प्रश्न का मतलब कि अब इसे अपने जो टॉपिक को आगे बढ़ाना है टीचर को, तो यहाँ पर वो बच्चों से एक या दो क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर बच्चा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन ये प्रश्न जो है विकासात्मक प्रश्न, ये जो आगे उसे कंटेंट पढ़ाना है उससे रिलेटेड होते हैं, बट बहुत ही सिंपल होते हैं जिनका बच्चा इजीली आंसर दे सके। यहाँ का टीचिंग पॉइंट क्या है? टीचिंग पॉइंट है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, क्योंकि जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है उसको अब हम न्यू नॉलेज से यहाँ पर जोड़ेंगे, तो इस तरह के प्रश्न करेंगे जो हमारा आने वाली नई नॉलेज जो बच्चे को टीचर देना चाह रहा है उससे वो रिलेट कर सके। तो यहाँ विकासात्मक प्रश्न जो बच्चे इसने पूछा है वो क्या है? पौधे और जंतु में से अपना भोजन कौन बनाते हैं? तो पौधे और जंतु में से अपना भोजन कौन है? केवल पौधे ही बनाते हैं। देन पोषण से आप क्या समझते हैं? तो पोषण क्या होता है? जनरली भोजन लेने की क्रिया को पोषण कहते हैं। तो ये विधि जो है यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि जो हमारी इंट्रोडक्शन में है वो भी प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे से प्रश्न पूछा जा रहा है। ये विकासात्मक प्रश्न पूछने के बाद फिर स्पष्टीकरण पे आते हैं। स्पष्टीकरण में जो आपका पॉइंट है वो है पोषण व पोषण के प्रकार, और यहाँ पर जो टीचिंग पॉइंट्स हैं वो हैं छात्र पोषण व पोषण के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और इस तरह से स्पष्टीकरण या जिसको हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं वो बच्चा एक्सप्लेन करता है यहाँ पर पोषण के बारे में, पोषण क्या है और पोषण दोनों जंतु और पौधे दोनों में होता है, और क्या क्या पोषण जो है किस तरह से क्या क्या टाइप्स हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटी है उसमें क्या आएगा? छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझते हैं, और ये मेथड कौन सा हो गया? व्याख्यान विधि। अब इस व्याख्यान विधि को ये आगे बता रहा है कि पोषण स्वपोषी और परपोषी दो तरह से, स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या है, तो ये सारी एंट्रीज इस तरह से करेंगे। यहाँ पर फिर ये एक टीचिंग पॉइंट ख़त्म हो जाता है, और जब ये हमारा एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर टीचर जो है वो इवेल्युएशन करेगा बच्चे का, और उससे कुछ प्रश्न पूछेगा एक या दो, और उसका आंसर बच्चा वहीं देगा। इन मूल्यांकन प्रश्नों का आंसर इसमें नहीं लिखा जाता है लेसन प्लान में, क्योंकि मूल्यांकन टीचर उसको एक्सप्लेन करने के बाद वहीं पर क्लास में कर रहा है, वहाँ उससे वो ये प्रस्तावना प्रश्न की तरह कोई एज्यूम आंसर यहाँ नहीं लिख के जाएगा, केवल वहाँ प्रश्न पूछेगा और उसका आंसर बच्चा उसी समय देगा। तो इस तरह से एक टीचिंग पॉइंट ख़त्म होने के बाद फिर ये प्रक्रिया ऐसे ही बार बार चलती रहेगी कि टीचर विकासात्मक प्रश्न पूछेगा, एक्सप्लेनेशन देगा और उधर इवेल्युएशन देगा। तो एक लेसन प्लान के अंदर कम से कम 3 टीचिंग पॉइंट्स का प्रयोग जो है वो बच्चा करता है, टीचर पीपल टीचर। तो यहाँ जैसे दूसरे विकासात्मक प्रश्न आ गए हैं, तो यहाँ विकासात्मक में अब छात्र क्या है? क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताने में सक्षम है। आपने पहले देखा होगा फर्स्ट विकासात्मक प्रश्न में क्या लिखा था? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। लेकिन जब हम नवीन ज्ञान से बच्चा जुड़ चुका है तो अब बच्चा क्या है? जो प्रश्न वो पूछ रहा है उसके बारे में आंसर वो बता सकता है। इसके अलावा फिर ये स्पष्टीकरण शुरू हो जाता है, और इस तरह से स्पष्टीकरण करके वो आगे बढ़ेगा। फिर विकासात्मक प्रश्न आते हैं, और इसके बाद फिर स्पष्टीकरण, और ये इन्होंने यहाँ पर मिनिएचर लगाया, जो भी चार्ट बनाया है। तो जब आप चार्ट या किसी टीचिंग एड का ऐसा मिनिएचर का यूज़ करते हैं तो वहाँ व्याख्यान व प्रदर्शन विधि लिखते हैं। तो इस तरह से ये आपका तीसरा टीचिंग पॉइंट यहाँ ख़त्म हो जाता है, और बच्चे का इस तरह से एक लेसन प्लान बन जाता है। इसके बाद शैम्पट सारांश, जो बच्चे ने
जो भी टीचिंग पॉइंट्स लेके पढ़ाया है उन सबको वो यहाँ लिखेगा और एक ब्लैक कलर का ब्लैक बोर्ड बनाकर इस पर पेस्ट करेगा। लास्ट पॉइंट जो है वो गृह कार्य का है, होमवर्क का है, जिसमें बच्चे को दो जो भी होमवर्क देना चाहे, दो या तीन क्वेश्चंस देना चाहे, वो टीचर वहाँ लिखेगा और बच्चे उसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो इस तरह से एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक आपको ये हेल्प करेगा अपने लेसन प्लान बनाने में। इसके अलावा मैं और भी लेसन प्लान इसमें डालूँगी और जो कि आपको लेसन प्लान बनाने में हेल्प करेंगे। अगर आपको इंग्लिश की ज़रूरत है तो मैं इंग्लिश के लेसन प्लान भी इसमें डालूँगी। और लास्ट में ये लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगी है, तो शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।